अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो सिर्फ 2.5 मिनट का है, लेकिन 2.5 मिनट में ये 2.5 करोड़ साल के बराबर नॉलेज देने वाला है आपको। और आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जो लोग समझते हैं कि क्रिएटर नहीं है, बनाने वाला नहीं है, तो आप ये वीडियो 2.5 मिनट का खाली देख लो बस पूरा। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप खाली वीडियो देखो, आपको नॉलेज इतनी मिलेगी ना कि आप मतलब आप खाली वीडियो देखो बस। और 360 जॉइंट, 100 के करीब बाल रोज गिरते और निकलते हैं। हम में से 800 ml का पसीना रोज निकल जाता है। बड़ों में 206 किस्म की हड्डियां पैदा की हैं, जबकि बच्चों में 300 इकसाम की हड्डियां हैं जो वक्त के साथ साथ फ्यूज हो जाती हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी में 23,000 लीटर का सलाइवा यानी कि थूक मुंह के ज़रिए पैदा करते हैं, जो बड़े स्विमिंग पूल को बआसानी भर सकते हैं। हमारे जिस्म में इतना आयरन है कि जिसकी मदद से 2 इंच लोहे की कील बआसानी बनाई जा सकती है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग इतनी बिजली पैदा कर सकता है जिससे एक छोटा बल्ब आसानी से जलाया जा सकता है। हमारी आंख में 120 मिलियन रॉड सेल्स हैं कि अगर इन रॉड सेल्स को जोड़कर डिजिटल कैमरा बना दिया जाए तो 576 मेगापिक्सल का कैमरा बआसानी बनाया जा सकता है। और आज तक इतना बड़ा मेगापिक्सल का कैमरा किसी फोन के लिए कभी नहीं बनाया गया। हमारा दिल एक दिन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उसकी मदद से 32 किलोमीटर तक ट्रक को ड्राइव किया जा सके। अगर आपके डीएनए को जिस्म से निकालकर एक लाइन में रखा जाए तो ये 10 बिलियन माइल्स तक बिछ जाएगा, यानी कि कहकशां के सबसे आखिरी प्लेनेट प्लूटो से होता हुआ वापस आ सकता है। हमारा दिमाग 1 बिलियन मिलियन बाइट्स का डाटा महफूज किए हुए है। हमारा दिल अपनी पूरी ज़िंदगी में 1.5 मिलियन बैरल्स तक का खून पंप कर सकता है। हमारे दिल को अगर जिस्म से अलग कर दिया जाए तब भी ये धड़कता रहेगा, क्योंकि इसकी अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। हमारे हाथ की उंगलियां 13 नैनोमीटर तक के छोटे साइज को महसूस कर सकती हैं। जबान पर मौजूद हमारे टेस्ट बर्ड्स हर 10 दिन में तब्दील हो जाते हैं। अगर हमारे मैदे में मौजूद तेजाब को हमारी स्किन पर डाल दिया जाए तो ये इसे जलाने और सुराख करने के लिए काफी होगा। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, आए उस अल्लाह को मरने से पहले पहले मना लें जिसके हम पे इतने अजीम एहसानात हैं।